बच्चों में मंकी पॉक्स के मामले, संयुक्त राज्य में बच्चों की तुलना में अधिक बच्चों ने मंकी पॉक्स के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। अमेरिका में अधिकारियों ने एबीसी न्यूज को सूचित किया कि अमेरिकी राज्यों और अधिकार क्षेत्र में बच्चों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। फोटो गेटी इमेजेज। मंकी पॉक्स सिर्फ एसटीडी नहीं है, टेक्सास स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब कहा है कि यह बीमारी गैर यौन संपर्क से भी फैल सकती है। जबकि शुरू में मंकी पॉक्स को पुरुषों के बीच यौन गतिविधियों से जोड़ा गया था, यह सिर्फ एक एसटीडी नहीं है। गले लगाने, चूमने, लंबे समय तक आमने सामने संपर्क और मंकी पॉक्स वाले किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले कपड़ों और सतहों को छूने से भी बीमारी फैल सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बच्चे भी मंकी पॉक्स से संक्रमित हो सकते हैं यदि उनका किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क रहा हो। इसलिए यदि आप अपने बच्चों में मंकी पॉक्स के लक्षण देखते हैं तो चिकित्सा सहायता लें।